एसी के इस फिल्टर के थ्रू रूम की हवा अंदर जाती है, चाहे वो रूम के माइक्रो डस्ट पार्टिकल्स हों या गर्म हवा हो, और साइड डक्ट से एसी ठंडी हवा छोड़ता है। अगर ये फिल्टर में रुकावट हो तो एसी ज्यादा चलता है और हॉट एयर अच्छी तरह से अब्सॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से बिजली का बिल ज्यादा आता है और एसी की कूलिंग कम हो जाती है। और कई बार हम एसी चलते में झाड़ू लगाते हैं या डस्टिंग करते हैं तो वो भी सारी डस्ट इसी के अंदर इकट्ठी होती जाती है। तो सबसे पहले हम एसी के फिल्टर को ही साफ करते हैं। सबसे पहले एसी का प्लग निकाल देंगे। कोई भी बिजली का काम करने से पहले प्लग जरूर निकाल दें। एसी के कवर को निकालते समय इसके लॉक अनलॉक का ध्यान जरूर रखें। अक्सर इसको निकालते समय इसका लॉक टूट जाता है। देखिए एसी के फिल्टर में कितनी डस्ट जमा हुई पड़ी है। डस्ट आगे तक जा चुकी है। फिल्टर को निकालने के बाद आप एसी को देखें। एसी के फिल्टर को साफ करने के लिए हम कोई भी पुराना टूथब्रश लेंगे और फिर उससे इस सारी डस्ट को एक बार झाड़ देंगे। हमें एसी चलाना तो याद रहता है, लेकिन एसी के फिल्टर को साफ करना अक्सर हम भूल जाते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा और कई बार कहा भी होगा कि एसी की कूलिंग कम है। ये फिल्टर का साफ ना होना ही एसी की कम कूलिंग की वजह बनता है। हमें इसे 15-20 दिन के बाद एक बार साफ जरूर करते रहना चाहिए। अगर हम इस फिल्टर को साफ रखेंगे तो एसी की कूलिंग भी बहुत अच्छी रहेगी और एसी को काम भी कम करना पड़ेगा और हमारा बिजली का बिल भी कम आएगा, क्योंकि इतनी डस्ट के साथ अगर एसी काम करेगा तो वो नॉनस्टॉप चलता रहता है, क्योंकि कूलिंग कम होती है तो हम उसको लगातार चलाते रहते हैं और जिसकी वजह से बिजली का बिल भी ज्यादा आता है और एसी के खराब होने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एसी के फिल्टर से कितनी डस्ट निकली है। एक मग में थोड़ा सा लिक्विड डिशवाश लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसको अच्छे से घोल लेंगे और फिर इस घोल से हम फिल्टर को साफ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्पॉन्ज लिया है, आप चाहें तो आप टूथब्रश से भी साफ कर सकते हैं, लेकिन इसे साफ करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हल्के हाथों से साफ करें, क्योंकि ये फिल्टर काफी डेलिकेट सी होती है, तो इसके ऊपर प्रेशर डालकर इसे साफ ना करें। दोनों तरफ से हम फिल्टर को अच्छे से साफ कर लेंगे। फिल्टर को साफ करने के लिए मैंने कोई भी डिटर्जेंट इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स इस फिल्टर में फंस सकते हैं, तो इसीलिए मैंने लिक्विड डिशवॉश लिया है और फिर अच्छे से धो भी लेंगे ताकि सारी फिल्टर अच्छे से साफ हो जाए। फिल्टर को मैंने साफ कर लिया है और अच्छे से वॉश भी कर लिया है। अब इस फिल्टर को थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे। फिल्टर को साफ करने के साथ साथ उसके कवर को साफ करना बिल्कुल ना भूलें, तो हम उसके कवर को भी अच्छे से साफ करेंगे। कवर को साफ करने के लिए मैंने टूथब्रश को ही यूज किया है, आप चाहे तो स्पॉन्ज से भी साफ कर सकते हैं। कवर को हम दोनों तरफ से अच्छे से साफ कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप तक मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सके। इससे पहले मैंने आसान तरीके से बाथरूम की मैली बाल्टियों को साफ करने का वीडियो भी पोस्ट किया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो एक बार मैं स्पॉन्ज से भी बीच में से सारी लाइनों को साफ कर लूंगी। इस तरह से कवर को दोनों साइड से अंदर और बाहर से साफ कर लें। अब कवर को भी अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे। एसी के फिल्टर को साफ करने के साथ साथ एसी के कवर को भी साफ करना चाहिए। धोने के बाद इसको भी थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे और फिर मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। एसी का फिल्टर और कवर दोनों अच्छे से साफ हो चुके हैं, तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रखते हैं, लेकिन एसी की सफाई अभी भी थोड़ी सी बाकी है।
तो अभी मैंने एक मग में थोड़ा सा पानी लिया है और एक पुराना टूथब्रश लिया है। पानी में मैंने कोई भी डिटर्जेंट, लिक्विड वॉश कुछ भी नहीं डाला। तो अब इस जाली को भी मैं साफ करूंगी क्योंकि डस्ट आगे तक पहुंची हुई है। अगर आपके एसी में आगे तक डस्ट नहीं पहुंची तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे एसी में आगे तक डस्ट पहुंच चुकी है तो मैं इसको भी साफ करूंगी। तो इसके लिए मैंने टूथब्रश को पानी में गीला किया है और उसको हल्के हाथों से डस्ट को क्लियर कर रही हूं। ये सब करते हुए आप प्लग को जरूर निकाल दें। पानी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी डस्ट है। और अभी स्पॉन्ज पर मैंने थोड़ा सा लिक्विड डिशवॉश लगाया है और उससे एसी के सारे फ्रेम को अच्छे से साफ कर देंगे ताकि सारी डस्ट निकल जाए। स्पॉन्ज को मैंने गीला करके अच्छे से निचोड़ लिया है। और फिर एक साफ कपड़े से हम सारे एसी को अच्छे से पोंछ लेंगे और सारा साबुन उतार देंगे। और अभी सारा एसी बहुत ही अच्छे से साफ हो चुका है। और अब हम फिल्टर को बहुत ही ध्यान से, जैसे हमने निकाला था वैसे ही लगा देंगे। फिल्टर बहुत ही अच्छे से साफ हो चुका है। फिल्टर की हालत आप पहले देख चुके हैं कि कैसी थी।